कौन खा तो क्या हाल चाल आप लोगों का। बहुत टाइम बाद फिर से वापस आया हूँ। वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि एक सवाल था कि ये सवाल मुझसे हिमांशु तोमर जी ने पूछा था इंस्टाग्राम पर, सबसे आसान मिमिक्री किसकी है। ये सवाल है, ये आप लोगों के मन में भी आता होगा कि सबसे आसान मिमिक्री किसकी जिसको हम तुरंत सीख लेंगे। ये वाला जो सवाल है वो ज़्यादातर लोगों के दिल में आता ही होगा, तो इसका जवाब दरअसल मैं हिमांशु जी को ही नहीं सबको देना चाहता हूँ, जितने लोग ये जवाब इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि ये ना सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि मैं हूँ, अब मुझे एक किरदार बड़ा पसंद है, जैसे कि मान लो बचपन से मुझे चले शाहरुख खान, जैसे मुझे बचपन से अगर शाहरुख खान पसंद था तो उसकी मिमिक्री सबसे पहले मैंने ट्राई की और उसकी मिमिक्री सबसे पहले मैंने की और वो हो भी गई आसानी से, ये था। लेकिन अगर किसी और को कोई और किरदार पसंद है, जैसे कोई और है जिसको अमिताभ बच्चन पसंद है और वो अमिताभ बच्चन के फैन है, तो वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री जल्दी सीख जाएंगे और उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ऐसा सबके लिए अलग अलग है। और इस सवाल का जवाब अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मन से पूछिए कि आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, कौन आपका फेवरेट कलाकार है, और बस आप उसकी मिमिक्री सबसे पहले पकड़ के सबसे आसानी से सीख सकते हैं। पहला जवाब तो ये था। और दूसरा जवाब जो कि मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मुझे फाइनल हुआ है कि सबसे आसान मिमिक्री मेरे हिसाब से शाहरुख खान की नहीं है, उसमें बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत झंझट है शाहरुख खान की मिमिक्री को परफेक्टली सीखने के लिए। शाहरुख खान की मिमिक्री मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, सबसे आसान सबसे इजी नहीं है। अगर सबसे इजी मिमिक्री की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो है सुनील शेट्टी साहब की। सुनील शेट्टी साहब की मिमिक्री ना मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, बच्चों को भी करते हुए देखा है, बड़े लोगों को भी करते हुए देखा, और काफ़ी बड़े आसानी से उसको पकड़ लेते हैं वो लोग। तो सुनील शेट्टी साहब की मिमिक्री में ना सबसे पहली बात है कि ट्रिक नहीं है, बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको सिर्फ यहाँ से बोलना है और ऐसे करना है तो शुरुआत ऐसी होगी, फिर उसके बाद आप लोग बिल्कुल परफेक्टली बोल सकते हैं, जैसे कि वो डायलॉग धड़कन में बोलते हैं, जब क्या बकवास कर रहे हो अचले अचले में तुम्हें बोल जाओ क्या नहीं सकता, और तुम मुझे बोल जाओ ये हमारे नहीं दूंगा, कोई हमारे बीच नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो ये जो था ना, ये उनकी जो इसलिए एक्टिंग करते हुए जब वो बोलते हैं, ये वो वाली आवाज़ थी। इस सवाल का जवाब ये है कि सुनील शेट्टी साहब मेरे हिसाब से आसान है, आप लोग सीख सकते हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं सुनील शेट्टी साहब को। और अगर कुछ ट्रिक बता ही दूँ, अभी वीडियो बना ही रहा हूँ तो ठीक है ना, फिर बता ही देता हूँ। तो आप लोग क्या करना है, पहली ट्रिक मैं बताता हूँ आप लोग को, आपको होठ पूरा ऐसे करके बोलना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं, आप इसके अलावा बोल ही नहीं सकते। अगर आप ऐसे होठ नहीं करें, ऐसे होठ नहीं करेंगे ना अगर आप, तो इसके अलावा आप बोल ही नहीं सकते, इसे हो ही नहीं सकती है मिमिक्री। तो ये दर्द मेरे माए बाबू भैया ये, तो अब आपने देखा बॉर्डर और हेरा फेरी को मैंने ऐसे मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो बन गई कॉमेडी। ये चीज़ है कॉमेडी, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कॉमेडी में सुनील शेट्टी साहब की मिमिक्री ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते रहेंगे आप लोग बड़ी आसानी से सुनील शेट्टी साहब की मिमिक्री। तो आपको ये चीज़ मैंने बता दी कि सबसे आसान मिमिक्री किसकी है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पर आ जाया करो, आप लोग खुल के बात कर सकते हैं हम लोग। और दरअसल पिछली वीडियो में ना मैं खुल के बात नहीं कर पाया था, मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो यदि आप लोगों को ना अच्छे से जानना है और कुछ पूछना है मुझसे, तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉलिंग पर बात कर सकते हैं या फिर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं, उसके जवाब मैं आप लोगों को वहीं पर दे दूंगा। और उसके लिए हम एक वीडियो भी बना लेंगे ताकि हम जो जितने हमारे व्यूवर्स हैं उन तक भी ये बात पहुंच जाए, वो सवाल आपके पहुंच जाए, और आपका नाम लेकर मैं सवाल दे दूंगा, जैसे अभी हिमांशु जी का नाम लेकर मैंने ऑडियंस के सामने वो सवाल रखा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर फॉलो कीजिए मुझे और डीएम कीजिए, तो वहाँ पर मैं नंबर भी दे सकता हूँ आप लोग को, कॉलिंग पर बात कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर कॉलिंग पर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चैटिंग पर भी बात कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना था, बहुत कुछ कह दिया 5 मिनट में, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।